वफाकी काबीना पारा नव मई से पेश आयल वाक्यन की सख्त मुज़म्मत कौमी सलामती कमेटी के फैसलन की मंजूरी दई छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेट इजलास में हंगामन भंटा बाहू डींदड़ खिलाफ़ कार्रवाई मामलन से गौर मुल्क के सियासी मुआशी सूरत हाल से पिण गौर विचार कर वजीर आजम अज पेशावर पहुंची विगोड़न पारा साड़ियल रेडियो पाकिस्तान की इमारत जो दौरों कंदो गवर्नर हाउस में अमन अमान की सूरत हाल बाबत इजलास दौरान ब्रीफिंग दिनी वी। लाहौर पुलिस के जमान पार्क में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के घर की जुड़ती लाइ सर्च वारंट मिली वाया। पुलिस जो चवण है तो जुड़ती के मौके से एएसपी रैंक जो ऑफिसर औरत एहलकार भी गड होंद। इमरान खान के घर के अंदर बाहर हिस्सों में सर्चिंग कई वेंदी। सर्च ऑपरेशन दौरान कमिश्नर लाहौर पिण मौजूद होंद। नव मई वाक्य में मुलवस दहशतगर्दन की गिरफ्तारी के हवाले से अहम अखबर आई। जमान पाक में फरार थे कोशिश कदे छह मुबैन दहशतगर्द गिरफ्तार। गुजरे ढी का मजमू तौर से गिरफ्तार कल अंक चौदह थो। पंजाब की निगरान हुकूमत दहशतगर्दन के गैर मामूली सहूलत देने के इल्जाम हेठ एक जज खिलाफ रेफरेंस मोकलने जो फैसलो कर वरतो। निगरान वडे वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास में नव मई वारन वाकियन में मुलवस विगोड़न खिलाफ कानूनी कार्रवाई बाबत अखबराई जो जायजो। आईएसआई ऑफिस के हमले में मुलवस जवाबदारन की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल बराबर है। दहशतगर्दन के गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाईदड़ एक जज खिलाफ रेफरेंस उमाणो वो। गैर कानूनी और गैर आयनी सहूलतकारी वो फैसलो पिण चैलेंज करो। इजलास में फैसलो मोहसिन नकवी है तो फौज की मिल्कियत नई आवामी असासन से हमलो कदड़ कें भी रियायत ज मुस्तक ना रूपोश विगुड़न के जल्द का जल्द गिरफ्तार कर वे। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत जिन केसन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ब जून तीन बुरी जमानत मंजूर कर वरती। इमरान खान के एक लख रुपये का मचलका जमा कराने जांच में शामिल थो हुकुम। अदालत पीटीआई चेयरमैन के हिदायत कई है कें भी रीत जांच में रुकावट न विधी वे। लाहौर हाई कोर्ट तरीके इंसाफ के 72 एमएनएस के इस्तीफान की मंजूरी वो नोटिफिकेशन कालातम करार दे छो। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत रियाज फतियाना बेन की दरख्वास्तन से फैसलो बुधाईदे स्पीकर इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन कालातम करार दिनो। असेंबली मेंबर्स के इस्तीफाओं वापस वठण लाय स्पीकर के सामो पेश थियण की हिदायत। अदालत है तो कौमी असेंबली जो स्पीकर सभी मेंबर्स के बीहर बुधी फैसलो करें। नव मई वारन पुरतशद्दद वाकियन बाद अगवाणन तरफा पीटीआई के छड़ण जो सिलसिलो जारी। पीटीआई में जयप्रकाश पार्टी छड़ण जो ऐलान कर छो। जयप्रकाश जो चवण है तो विगोड़न में मुलवस जवाबदारन के सजाऊं दिन वन। नव मई से फौजी इदारन के ऑफिसन के नुकसान पहुंचाया वो। नव मई से जो कुछ थो इन की मसमत कजे थी। अज का उन पीटीआई से को भी वास्तो ना है। विगोड़न के जमानत देने संदन हौसला अफजाई करण बराबर होंद। इमरान खान मुल्क दुश्मन की एजेंडा से हली रो है। विगोड़न में मुलवस मान खेन भड़काईदड़ जो वीडियोस मौजूद हैं खेन अंजाम तई पहुंचाया वे। कराची में मीडिया से गालाईदे सूबाई वजीर सईद गनी है तो अदालतू कानून मूजिब इंसाफ फराम कन। विगोड़न जो वीडियोस पीटीआई वन पा रिकॉर्ड क्यों। विगोड़न में मुलवस मान खेन भड़काईदड़ जहा सबूत मौजूद हैं। पीटीआई में कुछ सुठा मानू बाहन उए पीपल्स पार्टी में अचन कें भी पार्टी के खत्म करण मुनासिब ना है। आवाम वोट जरिए फैसलो करें।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास कराए वरतो। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास अज बिलावल हाउस कराची में थी दो। मुल्क के सियासी सूरत हाल मुस्तकबिल की हिकमत अमली से गौर विचार थी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के इजलास बाबत भी ख्याल की डे वज कई वी। वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफद की मुलाकात। आलमी बैंक की पोर्टफोलियो जो जायजो वरतो वो। सोलर एनर्जी मनसूबे से गालू मुराद अली शाह है। आलमी बैंक सूबे में टे ढाई पंज अरब डॉलर जो पोर्टफोलियो है। 12 मई तीन 410 मिलियन डॉलर जारी थे। उम्मीद है 30 मई तीन आलमी बैंक 120 मिलियन डॉलर जारी की। मुलाकात दौरान कॉम्पिटेटिव एंड लाइव एबल सिटी कराची मनसूबे से भी गालू। इजलास वाले सूबाई वजीर शर्जिलना मेमर जाम सादिक पुल की डिजाइन तैयार थे पी जल्द जमा कराई वी। डिजाइन बीआरटी कॉरिडोर फेस 1 का 10 किलोमीटर तीन मुकम्मल है। डिजाइन में रोड सेफ्टी माजूर वेहण की जाए ग्रीन एरिया भी ठाही वही है। पीपल्स पार्टी पारा मकानी चूंडन के शेड्यूल में वाद खिलाफ अज एहतजाज कर पो वे। पीपी सिंध के अंदर निसार अहमद खोड़े है तो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में देरवारी अमल खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन सिंध के आवाम आई नुमाइंदन जो आवाज़ बुधे जिम्मेवार मकानी नुमाइंदन हवाले करो अमल में देर बर्दाश्त न कई वी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल से नजरसानी कदे कुछ डी घट कर जिम्मेवार फौरी तौर से मकानी नुमाइंदन हवाले कर वन। सिंध सरकार तालीमी इदारन में गर्मी की मोकल ऐलान कर छो। तालीम वाले सेक्रेटरी है तो सिंध में पेरी जून का 31 जुलाई ती गर्मी जो मोकलू होंद। तालीमी इदारन में मोकल स्टेरिंग कमेटी के फैसले मुताबिक दिन्य पे वन। यूसी उडेरोलाल स्टेशन ता आजाद उम्मीदवार तौर चूंडल चेयरमैन आसिफ अली छटो पांजी समूरे पैनल समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कर छो। सरवरी जमायत के रूहानी पेशवाई एमएनए मखदूम जमील जमान है तो मचियारी जिलो पीपी जो किलो है रहंदो एक सियासी पार्टी में अड़न विगुड़न की उम्मीद न हुई। हर सियासी अगवान कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी जी पाकिस्तान पाक फोर्स से गड बीहे। कंधकोट वेझो इंडस हाईवे से पुलिस मोबाइल के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मोहम्मद यूसुफ गोलो अजल जो शिकार। चंडे अलियार वेझो पीरकाठी स्टाफ वट कार जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगन सबब आसिफ खास केली हयाती विनाए वेठो एक जणो जख्मी। बांदीवरसा खानशाह स्टाफ वट कार के टक्कर सबब नीगर नोमान खास केली फोत। दौलतपुर सफल लगोट गुलाम रसूल आरई में बिजली जो करंट लगने सबब नौजवान अब्दुल आरई फोत थी वो। मदेजी में मशवाणी बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो एक जणो कत्ल। मशवाणी मोहल्ले में सोटन में मामूली गाल ता झेड़े दौरान लठू आई खंजर लगने सबब परवेश मशवाणी मारसी वो। डोकली वेझो मुड़स पारा मोबाइना तौर औलाद न थियण ते जाल के घुट्टा डेई दादू किनाल में लोड़न की कोशिश। औरत दाहू करे जान बचाए वरती पीरसन पीर सा गजी एहतजाज। नूर जहा खातू इल्जाम मणींदे है तो उन 20 साल अग शफीक रहमान कोरी सा शादी थी। औलाद न थियण से मुड़स ए साहुरा खेस जहनी ए जिस्मानी तशद कंदा रहन था। संदस हयाती के खतरो है तहफुज फराम कर वनी।
फ्रांस के शहर कांस में फिल्मी दुनिया जो सब का वो मेलो कांस फिल्म फेस्टिवल जारी। 16 मई का शुरू थे छात्रों कांस फिल्म फेस्टिवल 27 मई ताई जारी रहो। फिल्म की नुमाइश प्रेस कॉन्फ्रेंस आई लेट नाइट पार्टियों फेस्टिवल की शुरुआत अदाकार जानी डीप की फिल्म जेन की बारी से थी पुजाणी एनिमेटेड फिल्म एलिमेंटल से। बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय आरोशी रोटेला के फेस्टिवल में शानदार एंट्री बिन्हीं अदाकारन रेड कार्पेट से वॉक कर सोशल मीडिया से सदन तस्वीरों वीडियोस वायरल हर तरफ सदन सू अंदाज की हक। फेस्टिवल में अनुष्का शर्मा वरुणा ठाकर ईशा गुप्ता बेन की भी शिरकत।